जी अभी मैं डीएम्स देख रही थी तो बहुत ज़्यादा लड़कियां पूछ रही हैं कि आप ये आपकी वो वेज के विनर्स जो हैं वो कब अनाउंस करेंगे। मैं अभी कर रही हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियो की एडिटिंग फाइनल कर रही हूँ, फिर उसे मैं अपलोड करूँगी और फिर ये बैक साइड पे जो मेरे पीआरस हैं, कलेक्शन में थोड़ी सी तबीयत ठीक इसी की वजह से ये अनबॉक्सिंग हम करेंगे। एक दफ़ा फ्री होके इंशाल्लाह देखें, दो तीन तो बच ही जाएंगे, खाना वगैरह खा के सुकून से फिर स्टोरीज में आके 7 विनर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स से चूज होंगे और 3 विनर्स वो हैं ने एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़्यादा की हुई है, मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो वहाँ से चूज़ हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ माइंड नहीं करना, आप कमेंट्स चेक करें, थाउजेंड्स में हैं और हमने सिर्फ 10 विनर्स उसमें चूज़ करने हैं, ठीक है। मेरी मैं आपके सामने करूँगी तो मुझे किसी ने ब्लेम नहीं करना, और अगर ब्लेम तो आंधा के बाद फिर मैंने गिव अवेज नहीं रखने। मैं इसलिए गिव अवेज नहीं करती क्योंकि फिर जो विन नहीं करते वो मुझे पता है कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जब इतना इमोजीज ही भेजते ना रोने वाले, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, मेरी 2 दिन तबीयत नहीं उससे सही होती। घर भी पूरा साफ हो गया है, ठीक है अभी देख लें, खाना वगैरह खा लिया है, लेकिन चाय जो है ना वो मेरे से नहीं पी के, ठंडी होगी मैंने कहा बाद में पीते हैं। और ये जनाब फ्लैग मेरे हस्बैंड ने छत पे लगाना है तो प्रेस करके भी यहाँ पे रखा है, और बस थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह गिव अवेज के जो विनर्स हैं ना वो मैं अनाउंस करूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ये ऑर्डर की हुई थी डार्क आउट क्रीम, जिसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही प्लीज़ हमारे साथ ना इसका रिव्यू शेयर करें। तो ये मैन और वेमेन सबके लिए है, स्किन को फेयर करती है, ब्राइट करती है, ठीक है। डार्क आउट मतलब कि आपकी जितनी भी अनइवन स्किन है या स्पॉट्स आ गए हैं उनको ख़त्म करती है, वो तो पैकिंग के ऊपर भी इसके सारे बेनिफिट्स वगैरह बताए गए हैं, ठीक है। हाउ टू यूज़ ये सारा मेडिकेटेड क्रीम है, आप वैसे वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ से मैंने की है पेज मैं टैग कर रही हूँ, ठीक है, वहाँ पर इनकी वेबसाइट है, वहाँ से कर लें विटामिंस वाइटमिन्स वगैरह, क्योंकि मेडिकेटेड है तो आपको उनके पेज से हर चीज़ मिल जाएगी। फोकस क्यों नहीं हो रहा, अब यहाँ पे देखें सारा इसका यूज़ का तरीका भी बताया गया और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, जिस तरह वाइट वैली थी ना जिस ब्रांड की आई थिंक क्रीम, ये उन्हीं की है मेडिकेटेड, मैं पेज टैग कर। इसके बाद जनाब ग्लोगैनिक्स की तरफ से ना मुझे ये सारी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स रिसीव हुई हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाती। ओके जी, प्रोडक्ट्स मैंने सारी ओपन कर लिए हैं और पैकिंग को ना 10 out of 10 है, क्योंकि जितने ऑयल्स और ये क्लिंजर वगैरह हैं ये आगे बबल रैपर्स में भी रैप किए गए थे। फर्स्ट आई हैव देयर हर्बल शैम्पू, और शैम्पू वाकई ही ये हर्बल है क्योंकि मैंने ओपन करके स्मेल की है, तो ये रियली मैं समझी थी कि कोई ऑयल है, जब मैंने ओपन किया तो ये हर्बल शैम्पू था, ठीक है। और बाकी इसके बेनिफिट्स वगैरह भी सारे बताए गए हैं। सेकेंड नंबर पर वी हैव दिस फोमिंग क्लिंजर, इस तरह का है जिसके अंदर आई थिंक चारकोल, हाँ चारकोल एंड नीम, फिर तो आपकी ऑयली कम्बिनेशन एक्नी प्रॉन स्किन के लिए पम्प पैकेजिंग और प्लस पॉइंट है। देन वी हैव दिस फेस मिस्ट, टोनर और मिस्ट मतलब आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए ये बहुत बेस्ट होता है। सारी डायरेक्शन वगैरह बैक साइड पर दी गई हैं। एंड देन वी हैव दिस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, ये देखें शिया बटर है, प्योर ऑयल्स के साथ बनाया गया और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। लास्ट में जनाब इन्होंने मुझे अपना फूड स्क्रब सेंड किया है जो कि मैंने ओपन किया है, और देखे पैटर्न, और अगर इसको हाथ लगाया ना ये सही पार्टिकल्स जो होते हैं ना स्क्रब वाले ये वो हैं, मतलब अब इसको यूज़ कैसे करना है आपको मैं पेज चेक कर रही हूँ, और इनकी प्राइस क्या है वो भी वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बाकी ये इनका ग्लो बार है जो मतलब फेस वॉशेज वगैरह यूज़ नहीं करते, वो ये ऑर्गेनिक इस तरह की अब अंदर पैकिंग की है, सोप्स वगैरह की आप मैं पेज चेक कर रही हूँ, वहाँ से इनकी प्राइसेस भी देख सकते हैं और बाकी इनकी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। और इसके बाद जनाब ये बहुत ही खूबसूरत सी मुझे अबाया रिसीव हुई है, मैं पेज जो है वो टैग कर देती हूँ और आपको नज़दीक से ना इसका सारा काम भी दिखा देती हूँ। फैब्रिक भी बहुत प्यारा है, स्टिचिंग बहुत कमाल की हुई हुई है और स्टाइल भी इसका बहुत प्यारा है। आप इनके पेज पर जब जाएंगे ना तो वहाँ से आपको जनाब इसे पहने हुए वेयर किए हुए मॉडल नज़र आ जाएंगी कि इन्होंने किस तरीके से, अब यहाँ से स्टिचिंग देख लें कितनी खूबसूरत है और इसका ना स्टाइल भी बहुत प्यारा है। कलर जो है वो एग्जैक्टली, हाँ जी, इससे भी हल्का सा डार्क ही कर लें, और जो इसके ऊपर उन्होंने मुझे सेंड किया अब ये पता नहीं इसके साथ का ही है या सेपरेट सेंड किया है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके साथ का ही है। बहुत ही खूबसूरत ये लगता है, पेज में टैग कर रही हूँ, नीचे से भी इसका स्टाइल बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए, थोड़ा लूज में है मतलब हर तरह का, जितना भी आपका वेट है, आप स्लिम हो तब भी बहुत प्यारा लगेगा, थोड़े से अगर क्यूट से हो तो तब भी बहुत प्यारा लगेगा, इस तरह का स्टाइल है इसके स्लीव्स का, ठीक है, पेज में टैग कर। एंड जी नेक्स्ट PR इज़ फ्रॉम मिनाहिल A1 कलेक्शन, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और ड्रेस मैंने यहाँ पे स्प्रेड किया है ताकि आप लोगों को ना इजीली नज़र आ जाए, समझ आ जाए, इससे भी थोड़ा सा डार्क रेड मैरून कलर बिल्कुल एग्जैक्टली बनता है। और इसके नीचे ये दामन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और नेक के ऊपर भी ये देख लें आप लोग, एम्ब्रॉयडरी है सारी और स्लीव्स के आगे भी एम्ब्रॉयडरी है, और कलर जो है
आई थिंक अभी इससे भी थोड़ा सा डार्क है। साथ में ये ट्राउज़र इन्होंने मुझे सेंड किया है, कॉटन फैब्रिक है इसका, और नीचे इसके ये देखें ये स्टाइल और डिज़ाइन है, और से आप सारा देख लें। साइज़ आई थिंक इन्होंने मुझे स्मॉल सेंड किया है, नहीं तो मैं आप लोगों को पहन के दिखा देती। और दुपट्टा ये देखें, नेट के ऊपर ना साथ गोटे का काम हुआ है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा भी बना हुआ सारा। एक ऐसे है जिस तरह बच्चियाँ आजकल के मौसम में तो बोल के कहीं पहन के भी जा सकती हैं, बट कॉटन में है तो घर में भी इजीली आप इसे कैरी कर सकते हो। इनके पेज के ऊपर और भी काफ़ी डिज़ाइन है ड्रेसेस वगैरह के, मैं पेज टैग कर रही हूँ, आप प्राइजेस वगैरह वहाँ से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पीआर जो है मैं पेज टैग कर रही हूँ, इन्होंने मुझे सेंड किया है हुदा ब्यूटी का ये गोल्डन मास्क, ये पीला गोल्डन मास्क है। इसके साथ फेशियल के लिए जो ये स्पंजेज या वाइप्स यूज़ होते हैं ये वो हैं, इसके साथ फेशियल के लिए जो हेड बैंड होता है यूज़ ये वो है, और टिंकल आईब्रो रेजर सेंड किए हैं मुझे, और साथ में ही ये मास्क या फेशियल की या रेमेडी वगैरह लगाने के लिए जो ब्रश है वो मुझे सेंड किया है। पेज में टैग कर रही हूँ, ठीक है आप लोग लेना चाहे तो ले लें, और प्राइजेस भी पेज से। अब ये लास्ट पीआर मुझे ज़क़रियाश की तरफ से रिसीव हुआ है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने मुझे ये वाला सीरम सेंड किया है, ठीक है ये आप यहाँ से देख लें, नियासिनामाइड है इसमें 10%, बाकी मैं पेज टैग कर रही हूँ तो दस इनकी चीज़ों की आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। ये कार्बन कैनिस्टर 50 मिलीलीटर, आई थिंक ये ना फेस मास्क है जो कि एक्टिवेटेड चारकोल से बनाया गया है, ये देखें ये फेस मास्क है ज़क़रियाश, मैं पेज टैग कर रही हूँ, ठीक है आप दोनों प्रोडक्ट्स का डिटेल्स वहाँ से देख। यार सच्ची मुझे चाय पी लेने दो, अभी चाय पी लूँ फिर इंशाल्लाह रेडी होके ना गिव अवे अनाउंस करते हैं। ऐसे भी चाय पी